अब बात मेरठ की, जहां मनचले बेखौफ हैं। मेरठ में मनचलों ने घर में घुसकर एक लड़की को जिंदा जला दिया। लड़की दिल्ली के एम्स में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। दसवीं की छात्रा को लड़के स्कूल से आते जाते छेड़ते थे। एक दिन मनचलों ने लड़की को जबरन एक मोबाइल फोन दिया और कॉल रिसीव नहीं करने पर परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी। लड़की ने परिजनों से शिकायत की तो मनचलों ने घर में घुसकर उसे आग के हवाले कर दिया। घटना 16 अगस्त की है। लड़की मेरठ के अस्पताल, जिस वार्ड में वो भर्ती थी, उसकी दीवार पर इंसाफ की गुहार लगाने वाले पोस्टर लगे थे। मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस हरकत में आई। अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उसकी एफआईआर आई, तो एफआईआर में ये लिखा गया कि साहब ये लोग घर पे आए थे और उसके साथ बदतमीजी की और उसके बाद उन्हीं लोगों ने मिट्टी का तेल डाल के आग लगा। जो एफआईआर आई है हम उसकी विवेचना कर रहे हैं। जो सुनी सुनाई बात थी या बताई गई बात थी हम उसमें विवेचना कर रहे हैं और गंभीरता से विवेचना कर रहे हैं। दोनों जिसमें अरेस्ट कर रहे हैं और बाकी के अरेस्ट का हम प्रयास कर रहे हैं। 4 गिरफ्तार हुए, इसमें एक रोहित और उसका पिताजी, वो 2 फरार हैं। उन पर भी पूरी दबिश, पूरी रात पुलिस ने काम किया है, पूरी रात। और जहां भी पता लगा, खुर्जा में पता लगा, दिल्ली में पता, एक टीम खुर्जा गई, एक दिल्ली गई, एक बार अलीगढ़ पता लगा तो एक टीम रात अलीगढ़ गई और सुबह वे टीमें लौटी हैं, वो नहीं मिला है। और उनके परिवार के जो लोग मिले हैं वो सब बल्कि थाने में बैठे हुए हैं। जो लोग भी मिले हैं वो थाने में बैठे हैं। हर कीमत पर आज शाम तक गिरफ्तारी होगी, हर कीमत पर बच्ची को न्याय मिलेगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ये हम लोग वादा करते हैं।